कैसे रह सकता है यार? जॉब जॉब दीजिए इसका, बताइए। देखो भाई चार बॉस का जरा आदमी हो, चल गाड़ी शौक था। जब बहुत कमोशन सुनाई देता है मुझे हॉस्पिटल में, चिल्लाए पेरेंट्स हैं जो डॉक्टर कबीर पर चिल्ला रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आता पहली बात तो क्यों हो रहा है ये सब। बट बाद में मुझे पता चलता है कि एक्सरे में जब दिखता है कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक पेशेंट के अंदर रह गया है, तो दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर अ हॉस्पिटल एंड फॉर अ डॉक्टर टू डू इट। एंड
एग्जैक्टली पता नहीं है कि किसकी वजह से हुआ है, तो डॉक्टर कबीर सारी सिचुएशन को संभालते हैं और बाद में मुझे पता चलता है कि ये सब डॉक्टर वीर की वजह से हुआ था. तो टू गेट इट राइट हम वापस उस पेशेंट की सर्जरी करते हैं और वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बाहर निकालते हैं, तो फाइनली इज़ आउट ऑफ डेंजर. तो पेरेंट्स भी खुश है क्योंकि जब उनकी बीवी भी बीमार थी तो डॉक्टर कबीर ने ही उनकी जान बचाई थी और अब उनके बेटे की भी जान डॉक्टर कबीर ने बचाई है. तो डॉक्टर कबीर सारा इल्ज़ाम अपने सर पर ले लेते हैं कि जैसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं वीर बोलने के लिए कि वो उन्होंने किया है, उसी वक्त पासा फेंक देते हैं कबीर और मैंने किया है, तो वो अपने सर पर ले लेता है सारा इल्ज़ाम. क्योंकि एट द एंड वीर को अगर दुख होगा या वीर को कुछ नुकसान पहुंचेगा तो साची को बुरा लगेगा, एंड जस्ट फॉर द लव ऑफ साची कबीर सारा इल्ज़ाम अपने सर पर ले लेते हैं. ओके, लेकिन जैसे आपने कहा एक डॉक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है ये ऐसे कुछ इतनी इजीली मिस्टेक करना, तो लेकिन वीर शायद थोड़ा सा डिस्टर्ब है या आप दोनों को साथ देख लिया है उसने तो जैसे ही मेंटली अलर्ट. हाँ, उससे पहले बिकॉज दैट्स माई फर्स्ट डे आफ्टर मी गेटिंग बैक टू हॉस्पिटल, मैं बीमार होती हूँ तो उसके बाद मैं पहला दिन है मेरे हॉस्पिटल में और सब लोग मुझे बोलते हैं कि साची मैम और कबीर सर के साथ सबको सेल्फी लेनी है. तो उस दौरान हम बहुत करीब आ जाते हैं और वीर देख लेता है, तो वीर को बहुत जलन होती है, वीर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो वीर बहुत चुनाता है. तो दैट्स हाउ वीर इज़ डिस्टर्ब कि मेरे उसकी आँखों के सामने हम दोनों, बट दैट इज़ बाय लाइक कोइंसिडेंटली हो जाता है, वी डू नॉट डू इट डेलिबरेटली, बट उसको ये बात समझ में नहीं आती एंड देन ही गोज आउट ऑफ हिज माइंड एंड ही डज दैट. और उस वो हो जाता है उसके हाथ से भी, वो जानबूझ के भी नहीं करता, उसको पता नहीं चलता है, बट देन अब हो गया है तो किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तो डॉक्टर कबीर ले लेते हैं. तो लास्टली जिम्मेदारी लिया है हमारे राम जी, कोई तो वजह होगी कि डॉक्टर कबीर वीर के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या उनका मतलब महान था? तो बिल्कुल नहीं, डॉक्टर कबीर तो पहले से ही महान थे, बस बीच में थोड़े भटक गए थे, अभी वापस आ गए, तो वो वीर के लिए दिल से अच्छा करना चाहते हैं क्योंकि आफ्टर ऑल हिज मोटिव इज टू कीप साची हैप्पी. अगर वीर को दुख होगा तो साची को भी दुख होगा, तो वो ये नहीं चाहते, तो इसीलिए सारा इल्जाम अपने सर पर ले लेते हैं भाई. थैंक यू.